यस एम आई लाइव। इसको थोड़ा सा फ्लिप करिए ना। यस एम आई लाइव राइट नाउ। गुड इवनिंग एवरीवन, अ वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, सो आई एम वेरी हैप्पी, एवरीथिंग इज वर्किंग वेल, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डियर स्टूडेंट्स, आज एक बहुत ही शानदार टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं जो आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा लैंग्वेज इंप्रूवमेंट में। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। अ वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जय सिंह स्वागत करता हूं आज की इस धमाकेदार लाइव क्लास में आप सभी का। आई होप कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, अपने घर पर होंगे, अपनी फैमिली के साथ होंगे। चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अ वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। चलिए करते हैं मजे के साथ आज के इस धमाकेदार सेशन को स्टार्ट। सो मैं चाहूंगा सबसे पहले तो ना, आप लोग जिन्होंने लाइक नहीं किया सेशन को, जल्दी से आप लाइक कर दो, क्योंकि आपके लाइक्स जो होते हैं ना, कहीं ना कहीं समहाउ दे मोटिवेट अस, यू नो, दे मोटिवेट अस टू डू वेल, और भी अच्छे से अच्छा करने के लिए हमें मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं। चलिए तो करते हैं स्टार्ट। अ वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जय सिंह स्वागत करता हूं आज की इस धमाकेदार क्लास में आप सभी का। यस, चलिए अभी बहुत सारे लोग देख रहे हैं, लाइक कम मिले हैं, जल्दी से लाइक की बौछार। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग स्टडी, मधु साहू, अक्षय कुमार, पूजा चौरसिया, स्टडी ब्लॉग, सुमित राज, देव सिंह। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो भाई, जैसे कि आप लोगों ने देखा है थंबनेल में, आज का जो टॉपिक है दैट इज बेस्ड ऑन नरेशन। तो मैं एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना बिल्कुल टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा भाई। आप सबको अच्छे से पता है अभी जो सैटरडे संडे की हमारी जो सीरीज चल रही है, इसमें हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से जो टॉपिक्स होते हैं वो कवर कर रहे हैं। तो हमारा मेन फोकस जो है वो है कुछ ऐसी चीजों को कवर करना, कुछ ऐसी चीजों को इंप्रूव करना जो कि लैंग्वेज लर्निंग पर बेस्ड है, जो कि आपकी ग्रामर पर बेस्ड है, जो कि एग्जाम्स पर बेस्ड है। तो मैं चाहूंगा पूरा अटेंशन आप लोगों का यहां पर हो, आप हर एक चीज जो मैं आपको समझा रहा हूं उसको आप समझ के चले, अपना बेस्ट दें, अच्छे से अच्छा अपने आपको इंप्रूव करें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। नरेशन की जब बात होती है तो एक चीज अपने दिमाग में सभी क्लिक कर ले कि भाई नरेशन की दो कैटेगरीज होती है। जी हां स्टूडेंट, नरेशन आपकी दो कैटेगरीज में होती, डिवाइड हम इसको कर सकते हैं। पहली जो कैटेगरी है दैट इज द डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन, ठीक है, और दूसरी जो होती है आपकी होती है इनडायरेक्ट स्पीच या फिर इनडायरेक्ट नरेशन। अब मैं चाहूंगा सबसे पहले तो आप लोग ये समझे कि भाई नरेशन को पढ़ना क्यों है, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन, चलो जल्दी फटाफट सभी आ जाओ। सबसे पहले अपने ब्रेन को प्रिपेयर कर लो, क्योंकि आज का जो सेशन है, आई एम जस्ट गोइंग टू टेक दिस सेशन फॉर 40 मिनट्स, और इन 40 मिनट्स में आपको बहुत कुछ इंटरेस्टिंग मैं पढ़ाने वाला हूं, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग आपको टीच करने वाला हूं। तो मैं चाहूंगा कि आपका पूरा अटेंशन यहां पर हो, आप हर एक चीज को बहुत ही मजे से सीखें, अच्छे से अच्छा अपने आपको इंप्रूव करें, अपनी स्किल्स को बढ़ाएं, अपने नॉलेज को बढ़ाएं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। नरेशन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि नरेशन हम सीखते क्यों है, व्हाट इज द रीजन टू लर्न नरेशन। जब आप नरेशन को समझ जाते हैं या नरेशन का यूज आपको समझ में आता है, तो जब भी आपको स्टोरी टेलिंग करते हो, ठीक है, स्पीकिंग करते वक्त अगर आपको स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, तो वहां पर नरेशन आपके लिए सही सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए बहुत उपयोगी होता है। दूसरा, अगर आपको राइटिंग वर्क कर रहे हो और उस राइटिंग वर्क में आपको कोई स्टोरी टेलिंग का काम करना है, आपको कोई स्टेटमेंट्स देने हैं कि जो पास्ट में कहे गए हैं या फिर फ्यूचर में कहे गए, तो उनको किस तरीके से आपको बताना है, प्रेजेंट करना है, वो सिचुएशन भी आपकी नरेशन में ही जाती है। तीसरा, नरेशन एग्जाम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। SSC CGL में नरेशन का टॉपिक उनका फेवरेट टॉपिक है, और मैं कहना चाहूंगा जितने भी स्टूडेंट्स SSC CGL की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इस टॉपिक को बिल्कुल भी हल्के में ना लें, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन SSC एग्जाम्स। और इसके अलावा और भी काफी सारे एग्जाम्स हैं जिनमें नरेशन के टॉपिक को प्रायोरिटी दी जाती है। सो ये 2-3-4 रीजन है कि भाई स्टोरी टेलिंग में राइटिंग स्किल को इंप्रूव करने के लिए और एग्जाम्स के लिए नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले हम लोग नरेशन को समझे कि नरेशन वर्ड बना किससे है। तो नरेशन वर्ड का अगर आप देखें तो बना नरेट से। नरेट का मतलब होता है कथन कहना या किसी चीज को कहना, नरेट करना, सुनाना, किसी से कुछ कहना, दैट इज नरेट। और इसी नरेट से हमने क्या बनाया, नरेशन, जिसको हम लोग कहते हैं स्पीच।
कुछ लोगों को लगता होगा नरेशन अलग है स्पीच अलग है, जी नहीं, नरेशन ही स्पीच है और स्पीच ही नरेशन है। यस, आज आप सोच रहे होंगे कुछ लोग तो यार कि आज सर आकर डायरेक्ट पढ़ाना क्यों स्टार्ट कर दिया। भाई मैं चाहता हूं कि अगर मैं स्टूडेंट्स को ग्रामर पढ़ा रहा हूं ना तो अभी थोड़ा सा स्पोकन एक्टिविटीज से ट्रैक को हम लोग हटा लें, नहीं तो आपको सबको अच्छे से पता है कि मैं अपनी कोई भी क्लास बिना प्रैक्टिस सेशन के स्टार्ट ही नहीं करता हूं। सबसे पहले शुरू में 10 मिनट्स का प्रैक्टिस सेशन करवाता हूं, स्टूडेंट्स को चार्ज करता हूं एंड देन उनको फिर ट्रैक पर लेकर आता हूं। बट अभी आप लोग सोच रहे होंगे, यू मस्ट बी थिंकिंग कि यार ये बंदे को क्या हो गया है, ये सर को क्या हो गया है, क्या कर रहे हैं, मतलब लाइक डायरेक्ट पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है ना। चलो कोई गल नहीं, तो भाई मैं चाहता हूं कि है ना सीखना है हमको, नरेशन को सीखना है, एक ऐसा टॉपिक जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटिव लगता है, एक ऐसा टॉपिक जो कि बहुत ज्यादा दिक्कत देता है, बट ट्रस्ट मी मैं हूं ना, टेंशन नहीं लेने का दोस्त, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का। ये जो टॉपिक है ना नरेशन, आज आपके दिमाग में एक घंटे के लिए यहीं पर हूं मैं, पूरी तरह से फिट करके जाऊंगा, ठीक है, पूरी तरह से फिट करके जाऊंगा, लेकिन आपका समय चाहिए होगा मुझे, ठीक है। अगर लगता है नरेशन टफ, जस्ट बी हियर फॉर एन आवर। ओके, तो सबसे पहले नरेशन क्यों पढ़ना है वो बता दिया मैंने आपको। दूसरा, नरेशन का रूट वर्ड नरेट है, नरेट का मतलब होता है कथन कहना। अब जब बात नरेशन की आई है तो मैंने आपको समझाया कि भाई नरेशन दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट नरेशन या फिर इनडायरेक्ट स्पीच। इस तरीके से आपके दो टाइप या टू टाइप्स नरेशन के बनते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब समझते हो क्या होता है, डायरेक्ट का मतलब होता है जो काम आप डायरेक्ट कर देते हो, ठीक है, डायरेक्ट समझती हो, प्रत्यक्ष कथन, डायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन, और इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कथन। तो जब भाई स्पीकर के द्वारा कही हुई बात को, स्पीकर के द्वारा कही हुई बात को उसी के शब्दों में कहा जाता है तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। व्हेन समथिंग इज स्पोकन इन द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, जब कुछ कहा जाए किसके शब्दों में, स्पीकर के शब्दों में, तो वो जो सिचुएशन होती है वो आपकी डायरेक्ट नरेशन में होती है दोस्त। बिल्कुल इसको बहुत अच्छे से समझ जाइएगा आप। देखो किस तरीके से ये वर्क करती है वो भी देख लो आप लोग। जैसे मान लीजिए एक लड़का राम है और वो बोल रहा है आई एम अ स्टूडेंट, मैं कौन हूं भाई, एक स्टूडेंट हूं, ये किसका स्टेटमेंट है, राम का। सो राम सेड आई एम अ स्टूडेंट, है ना, तो राम सेड आई एम अ स्टूडेंट, राम सेड आई एम अ स्टूडेंट। ये जो स्टेटमेंट राम ने दिया है ना, उसने जैसा स्टेटमेंट दिया है एज इट इज उस स्टेटमेंट को हमने अपने शब्दों में लिख दिया है, सॉरी उसके शब्दों में लिख दिया, राम के शब्दों में। देखो राम अपने आप को चूंकि स्पीकर है इसलिए क्या कहेगा, आई कहेगा, और जैसा उसने कहा कि मैं क्या हूं, स्टूडेंट हूं। अगर वो बोलता मैं टीचर हूं तो क्या बोलता वो, आई एम अ टीचर। अगर वो डॉक्टर होता तो क्या बोलता, आई एम अ डॉक्टर। और जैसा कहा है वैसा, देखो वैसा लिखने के लिए हम लोगों ने ये इन्वर्टेड कॉमा लगाया। पहले तो समझो इन्वर्टेड कॉमा कहां लगाते हैं, जब भी कोई डायलॉग लिखे जाते हैं, है ना, जब भी कोई डायलॉग्स आप लिखते हो कहीं पर राइटिंग स्किल में, तो वहां पर आपको उन डायलॉग्स को कवर अप करने के लिए इन्वर्टेड कॉमा का उपयोग होता है। तो आप देख सकते हैं यहां पर हमने इन्वर्टेड कॉमा लगाया। तो राम सेड आई एम ए स्टूडेंट, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू अगेन नरेशन डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्पीच, जिसके दो प्रकार हो गए। पहला मैंने आपको बताया डायरेक्ट, दूसरा जो है वो आपका इनडायरेक्ट। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि डायरेक्ट स्पीच क्या होगी। डायरेक्ट स्पीच में एक स्टेटमेंट राम ने दिया, राम सेड आई एम अ स्टूडेंट, मैं कौन हूं भाई, एक स्टूडेंट हूं। ऐसे ही एक लड़की है वो बोल रही है, शी सेड, क्या बोल रही है, पापा आई वॉन्ट योर हेल्प, पापा मुझे आपकी मदद चाहिए। शी सेड टू रवि, एक लड़की है वो रवि से बोल रही है, यू कांट हेल्प मी, कि तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते। अब ये देखो ये तीनों स्टेटमेंट्स जो मैंने यहां पर दिए हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं सेंटेंस ए, सेंटेंस बी एंड सेंटेंस सी। स्टेटमेंट ए नाम दे दो इसको, स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी एंड स्टेटमेंट सी। इन तीनों स्टेटमेंट्स में हमने जो कॉमन चीज रखी है वो क्या है, है ना, वो कॉमन क्या है, वो चीज को समझो। सबसे पहले देखो ज्यादा लोड नहीं लेना है, मेरा मानना है ना जो कुछ टफ लगे तो दो चॉइस होती है हमारे पास, फर्स्ट उसको ध्यान से सुनो, सेकंड नहीं समझ में आ रहा, मतलब ध्यान से सुन लो फिर भी समझ में आ, सेकंड और भी ध्यान से सुनो,
आपको क्या लग रहा था, गिव अप? नहीं, गिव अप नहीं करने का, राइट? बी रिजिड, बी टफ विथ योर सेल्फ। अगर कुछ टफ लग रही ना दोस्त, तो ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिया, उसके पीछे लग जाओ। टफ क्यों है, क्या कारण है, कुछ ना कुछ कमी है इसलिए टफ लग रही है। देयर इज नथिंग टफ इन दिस वर्ल्ड, लेट मी टेल यू अगेन, देयर इज नथिंग टफ इन दिस वर्ल्ड। नरेशन सबसे आसान टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है, समझने वाला। मैंने कहा राम सेड आई एम ए स्टूडेंट, शी सेड पापा आई वॉन्ट योर हेल्प, शी सेड टू रवि यू कांट हेल्प मी। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स में एक कॉमन चीज क्या है कि तीनों स्टेटमेंट्स में आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, यहां पर इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है यहां पर। तो ये सब सारी की सारा कॉन्टेंट किसमें जा रहा है, डायरेक्ट स्पीच में जा रहा है। अब आप इस कॉन्टेंट को किसमें चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो हम कैसे इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, ठीक है ना, कैसे हम लोग इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। और इसके बाद हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए हमने बना के रखे हैं, वो क्वेश्चंस भी मैं आपको अभी सॉल्व करवाऊंगा, आपको बताऊंगा कि इनको कैसे चेंज करना। और मेरी गारंटी है मैक्सिमम लोग सही आंसर करेंगे। जो भी स्टूडेंट सेशन को केयरफुली देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, वो मेरी 100% गारंटी है बहुत अच्छे से इसको आंसर करेगा। चलिए सबसे पहले जैसे आपने कहा राम सेड आई एम ए स्टूडेंट, ये आपने स्टेटमेंट दिया है ना, इसको इनडायरेक्ट में हम लोग चेंज करेंगे तो हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, पता है राम सेड को राम सेड ही लिखना होगा। कुछ लोग कहेंगे सर टोल्ड कर देंगे, जी नहीं, टोल्ड कब करना, जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट दिया हो। तो मैं आपको सबको बताना चाहूंगा, यहां पर ध्यान दे कि राम सेड आई एम ए स्टूडेंट ये कहलाती है रिपोर्टिंग स्पीच। ये क्या कहलाती है, रिपोर्टिंग स्पीच दिस इज, और आई एम ए स्टूडेंट दिस इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। जी हां, ये आपकी कहलाती है रिपोर्टेड स्पीच। तो ये रिपोर्टिंग स्पीच और ये रिपोर्टेड स्पीच, जब रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ दिया जाता है, एक आई रिपीट दिस लाइन, जब रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ दिया जाता है तो वो स्टेटमेंट बनता है आपका इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच। और इन स्पीचेस को जोड़ते किससे हम लोग, दैट से। अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव नेगेटिव है तो किससे जोड़ता है, ये दैट से। और दैट से जोड़ने पर ये जो कॉमा रहता है इसको हम लोग हटा देते हैं। मतलब इनडायरेक्ट स्पीच वो स्पीच होती है जिसमें स्पीकर के द्वारा कही हुई बात को हम अपने शब्दों में कहते हैं, अपने शब्दों में कहते हैं, मतलब स्पीकर के शब्दों में नहीं कहेंगे, अपने शब्दों में कहेंगे। अगर स्पीकर थर्ड पर्सन है तो उसका क्या हो जाएगा, आई का ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो थर्ड पर्सन है। अभी मैं चेंज करके आपको दिखाऊंगा, आपको प्रैक्टिकली सारी चीजें समझाऊंगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, कोई डिफिकल्टीज नहीं है नरेशन में किसी प्रकार से भी। देखो यहां लिखा है राम सेड आई एम ए स्टूडेंट, तो आपने राम सेड का राम सेड ही लिखा, जोड़ा किससे, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को, ये रिपोर्टिंग स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच। मैं लिख देता हूं इनके ऊपर एक बार फिर से, ये हो गई आपकी रिपोर्टिंग स्पीच, ये हो गई आपकी रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड से जोड़ना है, बीच में दैट लगा दिया, लगा दिया। अब करना हमें प्रोनाउन चेंज, यहां पर आई कौन है, राम अपने आप को आई बोल रहा है, तो इस आई का क्या होगा, राम के अकॉर्डिंग ही, एम का हो जाएगा वॉज, है ना, अ स्टूडेंट, कुछ इस तरीके से आपका ये बनेगा। और इस बात का विशेष ध्यान आपको देना होगा सभी को कि आपको जो है, राम सेड दैट ही वॉज अ स्टूडेंट, राम सेड दैट ही वॉज अ स्टूडेंट, मतलब यहां पर आपको क्या नहीं यूज करना है, इस बात का विशेष ध्यान देना है यहां पर कि आपको यहां पर अब इन्वर्टेड कॉमा यूज नहीं करना है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को जो है बिल्कुल फोकस करना है। शी सेड पापा आई वॉन्ट योर हेल्प, स्पीकर कौन है, शी, लिसनर कौन है, लड़की के पापा, तो पापा का हो जाएगा हर फादर। जब इसको चेंज करोगे तो आप लिखोगे शी टोल्ड हर फादर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहां सेड लिखा था, यहां टोल्ड क्यों कर दिया, क्योंकि भैया इसमें लिसनर दिया है। जब आपका लिसनर दिया हो, आई रिपीट दिस लाइन, जब आपका लिसनर दिया हो तो सेड टू का टोल्ड हो जाता है, ये मैं आगे लिख दूंगा नियम, है ना। सो शी टोल्ड हर फादर दैट, ये लिख दिया हमने, शी टोल्ड हर फादर दैट आई वॉन्ट योर हेल्प। आई कौन है यहां पर, शी है, तो इसका हो जाएगा शी, वॉन्ट का हो जाएगा वॉन्टेड, योर हेल्प मतलब किसकी हेल्प, उसके पापा की हेल्प, तो हिज हेल्प, ये कुछ इस तरीके से चेंज होगा। शी टोल्ड हर फादर दैट शी वॉन्टेड हिज हेल्प। अब शी वॉन्ट का, देखो आई वॉन्ट का क्या हो गया, शी वॉन्टेड, ऐसा क्यों, इसको कहते हैं टेंस चेंज, इसको क्या कहते हैं, टेंस चेंज। तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त स्टूडेंट कितने नियम लग रहे हैं, सबसे पहला रूल, रूल नंबर फर्स्ट,
रिपोर्टिंग स्पीच को यदि सेड टू दिया है तो टोल्ड करना है, अगर सेज टू दिया है तो टेल करना है, सॉरी टेल्स करना है, और अगर से टू दिया है तो टेल करना। सबसे पहला रूल दैट यू हैव टू माइंड। सेकंड नियम दैट कनेक्टिव का उपयोग करना है, किसका करना है, दैट कनेक्टिव का। तीसरा रूल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप सबको माइंड करना है, वो है आपका प्रोनाउन चेंज। ये प्रोनाउन चेंज क्या होता है अभी बताने वाला हूं। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है, दैट इज कॉल्ड द टेंस चेंज। और टेंस चेंज कब करना है, जब रिपोर्टेड स्पीच, जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो, पास्ट में हो तभी करेंगे हम, तभी हम लोग टेंस चेंज करेंगे, बाकी टेंस चेंज नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान आप सभी को देना होगा, ठीक है। तो ये चार मेजर चेंजेस आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते वक्त करने होते हैं। इन चारों चेंजेस के बेसिस पर पूरा खेल होता है। अब आप यहां देखो, शी सैड टू रवि, एक लड़की है, उसने रवि से कहा यू कांट हेल्प मी, तुम मेरी मदद नहीं कर सकते हो। अब इस स्टेटमेंट को आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट में। तो सबसे पहले देखो, रिपोर्टिंग स्पीच में यदि सेड टू दिया तो क्या करना है, टोल्ड। तो ये सेड टू का क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट में चेंज करोगे टोल्ड, रवि का रवि हो जाएगा। यहां तक तो सबने कर लिया होगा। दूसरा, दैट कनेक्टिव लगाना है, ये लो भाई बीच में क्या लगा दो, दैट कनेक्टिव, इन्वर्टेड कॉमा को हटा दो। तीसरा चेंजेस प्रोनाउन चेंज, प्रोनाउन क्या दिया है, यहां पर यू दिया है, प्रोनाउन आपको यू दिया है। यू किसको बोला जा रहा है, यू बोला जा रहा है रवि को। याद रखना, जब भी कोई स्पीकर बोलता है ना, तो स्पीकर हम अपने आप को क्या बोलता है बताइए, स्पीकर अपने आप को आई बोलता है। जैसे अगर ये लड़की शी जो है, ये अपने आप को कहेगी तो आई कहेगी, मी कहेगी, माय कहेगी और माइसेल्फ कहेगी। इस बात का विशेष ध्यान देना है। और जो सामने व्यक्ति है, देखो दो लोग बात कर रहे हैं, एक लड़की है और एक लड़का है, लड़की का नाम हमें नहीं पता इसलिए शी लिखा हुआ, लड़के का नाम हमको पता है रवि। तो ये जो लड़की है ना, इसने रवि से कहा, क्या कहा, कि तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। तो उसने तुम किसको कहा, रवि को कहा। तो रवि का जो है तुम जो है ये हो जाएगा ही, क्या हो जाएगा, ही। और कैन नॉट का हो जाएगा स्टूडेंट्स कुड नॉट, ये आपका आता है टेंस चेंज में। ये कैसे बदलता है आगे बताऊंगा मैं आपको। हेल्प का हेल्प ही होगा, मी कौन है यहां पर, मी ये लड़की शी है, तो ये मी का हो जाएगा हर और ये लगा फुल स्टॉप। तो आंसर आएगा शी सेड टू रवि यू कांट हेल्प मी, शी टोल्ड रवि दैट ही कुड नॉट हेल्प हर। हिंदी सुनो, उसने रवि से कहा तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते, उसने रवि से कहा कि वह उसकी हेल्प नहीं कर सकता था। तो अब आप कहोगे सर ये कैन नॉट का कुड नॉट क्यों हो गया, तो इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। कैन का कुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है, विल का वुड हो जाता है, शैल का शुड हो जाता है, पॉइंट टू बी नोटेड सभी लिखेंगे, दिस का दैट हो जाता है, दीज का दोज हो जाता है, टुडे का दैट डे हो जाता है। बिल्कुल इसको दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। टुमारो का नेक्स्ट डे हो जाता है, यस्टरडे का प्रीवियस डे हो जाता है। ये सारे रूल बिल्कुल दिमाग में अभी के अभी याद भी करवा दूंगा मैं, कोई बड़ी डील नहीं है। अगर आपको इजमार दिया हो तो उसका वॉज वर हो जाता है, अगर आपको वॉज इन वर दिया हो तो इस बात का विशेष ध्यान देना उसका हैड बीन हो जाता है, अगर आपको हैज और हैव दिया हो तो उसका हैड हो जाता है, लेकिन हैड का हैड ही रहेगा। तो इस तरीके के मिसलेनियस चेंजेस आपके होते हैं जो आपको ध्यान देना है। इसमें एक और आप लिख लो, नाउ, एन ओ डब्ल्यू, नाउ का देन हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे चेंजेस पर भी आपको फोकस करना है, इन सारे के सारे चेंजेस को भी दिमाग में फिट करना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको नरेशन को स्टडी करना है भाई।
जब इसके अकॉर्डिंग नरेशन को स्टडी करोगे देन थिंग्स आर गोइंग टू बी इजी. लेकिन ये कब एप्लीकेबल होंगे? ये तभी एप्लीकेबल होंगे जब रिपोर्टिंग स्पीच आपकी पास्ट में हो. जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो तभी ये बदलाव होंगे. ठीक है. अब ये बात कुछ लोगों को डाइजेस्ट नहीं होगी. सर ये नई चीज क्या बता दी कि जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होगी तभी ये बदलाव करना है? इसका मतलब ये हो रहा है कि मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मान लीजिए ऐसा लिखा है राम सेड और एक में लिखा है राम सेज. अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखना. आई एम बिजी नाउ, मैं अभी बिजी हूं, और इसमें भी बोल रहा है वो आई एम बिजी नाउ. ठीक है. अब इन दोनों को आप ध्यान से देखें, यहां लिखा है सैड और यहां लिखा है सेज. तो जिसमें सैड लिखा है उसमें रिपोर्टिंग स्पीच आपकी किसमें है? पास्ट में है. और जिसमें सेज लिखा है उसमें रिपोर्टिंग स्पीच आपकी प्रेजेंट में है. एंड दैट इज वाई जब आप इनको चेंज करोगे तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा राम सैड दैट ही एम का हो जाएगा वॉज, ही वॉज बिजी और नाउ का हो जाएगा देन. तो इसका आंसर आएगा राम सेड दैट ही वॉज बिजी देन. लेकिन जब आप आंसर इसको करोगे कि राम सेज आई एम बिजी नाउ, तो इसका होगा राम सेज दैट, ठीक है, आई एम बिजी नाउ. आई कौन है यहां पर? ही के साथ क्या लगाओगे? इज. बिजी नाउ का नाउ ही लिखोगे कुछ इस तरीके से. तो आपका आंसर आएगा राम सेज दैट ही इज बिजी नाउ. आई होप डियर स्टूडेंट्स कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपको क्लियर हुआ होगा एग्जैक्टली कि मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं और क्या पढ़ाना चाहता हूं. ओके चलिए, दैट्स वेरी गुड. ओके सो ये सारा का सारा कॉन्टेंट अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे से आप लोग फिट कर लो. कोई बड़ी डील नहीं है इसको समझना, है ना. आप में से जितने भी स्टूडेंट्स अभी इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं या कर रहे हैं, ठीक है, सबको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी. इट्स नॉट अ बिग डील. ओके चलो आगे ले चलता हूं मैं आप लोगों को. तो भाई डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त आपको कितने रूल अप्लाई करने होते हैं वो भी मैंने यहां पर आपको लिख दिए. अब मैं आपको यहां पर कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूं जो आपको करनी है. सबसे पहला मैंने दिया आपको यहां पर एक सेंटेंस, शी सैड आई विल गो टू कॉलेज टूडे. अब कोई लड़की है जो बता रही है कि मैं आज कॉलेज जाऊंगी, मैं आज कॉलेज जाऊंगी. इस स्टेटमेंट को आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है. देखते कितने लोग सही आंसर करते हैं. चलो जल्दी से इसको फटाफट 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 आपको चेंज करके दिखाना है. शी सैड आई विल गो टू कॉलेज चेंज इन टू इनडायरेक्ट स्पीच. मैं आपको चार ऑप्शन दे रहा हूं, उनमें से एक ऑप्शन सही है. ए, शी सैड दैट शी विल गो टू कॉलेज टूडे, ऑप्शन ए. ऑप्शन बी, शी सैड दैट शी वुड गो टू कॉलेज दैट डे. ऑप्शन सी, शी सैड दैट आई वुड गो टू कॉलेज दैट डे. चलिए भाई, इनमें से तीन में से कौन सा स्टेटमेंट सही है जल्दी कमेंट करके बताओ कि वो कौन सा वाला स्टेटमेंट सही है. एक बार रीड कर रहा हूं मैं तीनों स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी एंड स्टेटमेंट सी. स्टेटमेंट ए बोल रहा है भाई, शी सेड दैट शी विल गो टू कॉलेज टूडे. ओके. स्टेटमेंट बी है, शी सेड दैट शी वुड गो टू कॉलेज दैट डे. ऑप्शन सी है, शी सेड दैट आई वुड गो टू कॉलेज दैट डे. सो लेट मी नो विच वन इज करेक्ट. ओके कुछ लोग यहां पर बी लिख रहे हैं, कुछ ए भी लिख रहे हैं, कुछ सी भी लिख रहे हैं. अच्छा चलिए, तो यहां पर जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दोज हुआ कमेंटिंग फॉर दी सी एंड ए, लेट मी टेल यू, यू आर कंप्लीटली रॉन्ग, बिकॉज द राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी. बी इज द राइट आंसर. अब बी क्यों राइट हुआ उसका रीजन सुन लो. सबसे पहले यहां क्या लिखा है देखो आप, शी लिखा है, मतलब इस आई का क्या हो जाएगा? शी. दूसरा ये जो विल है इसका हो जाएगा वुड. वुड क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहां सैड लिखा है ना.
गो का गो रहेगा, कॉलेज का कॉलेज होगा, टुडे का हो जाएगा दैट डे। तो ये तीन चेंजेस देख लो, जहां ये तीन चेंजेस दिख जाए कि शी सेड दैट शी वुड गो टू कॉलेज दैट डे, वही आपका आंसर है। तो ये स्टेटमेंट आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है एंड दैट्स व्हाई द राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये था आपका एक्चुअल में नरेशन का एक छोटा सा टेस्ट। अब मैं आपको प्रैक्टिकली कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं जो आपकी मदद करने वाले हैं अप टू द मार्क बहुत कुछ इंप्रूव करने में। तो यहां पर नरेशन के क्वेश्चंस हमारे पास रेडीमेड पूरी लिस्ट उसकी बनी हुई है सारे क्वेश्चंस की, और मैं चाहता हूं कि इन क्वेश्चंस को आप समझ के स्टडी करें। देखो नरेशन आपको दिया है पेज नंबर 53 पर दिया हुआ है इस बुक में, आपको पेज नंबर 53 पर नरेशन का कंटेंट दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा और नीचे आ जाते हैं हम लोग, ये रहा नरेशन। अब देखो भाई यहां पर आपको बहुत ही सरल सरल क्वेश्चंस दिए हैं। जैसे पहला आपको दिया अरुण सेज देर इज नो इंक इन द इंक पॉट। सबसे पहला आपको दिया अरुण सेज देर इज नो इंक इन द इंक पॉट, दैट इज योर क्वेश्चन दैट यू हैव टू आंसर। भाई इसमें आपको कुछ नहीं करना है, अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी रिपोर्टेड स्पीच में क्या दिया हुआ है, आपको सेज दिया है, मतलब टेंस चेंज तो होगा नहीं। आपको सिर्फ ऐसा लिखना है इसको, अरुण सेज दैट देयर इज नो इंक इन द इंक पॉट। यह आपका सबसे पहला फर्स्ट वाला बनेगा, अरुण सेज दैट देयर इज नो इंक इन द इंक पॉट। दूसरा द टीचर सेज द गर्ल वॉज लेजी, इसका आंसर आएगा द टीचर सेज दैट द गर्ल वॉज लेजी, इस तरीके से आपका बनेगा। द टीचर सेज दैट द गर्ल वॉज लेजी, द प्रिंसिपल सेज स्नेहा विल फेल, इसको भी एज इट इज लिख देना। द प्रिंसिपल सेज दैट स्नेहा विल फेल, अब विल का वुड क्यों नहीं हुआ भाई, क्योंकि यहां पर प्रिंसिपल सेज लिखा है। मान लीजिए ऐसा लिखा होता कि द प्रिंसिपल सैड या सैड लिखा होता तो फिर इस विल का क्या हो जाता, वुड हो जाता, और स्नेहा नाम है तो स्नेहा का तो स्नेहा ही रहेगा, है ना। चलो तो आपको इनमें शुरू में कोई डिफिकल्टीज नहीं आएगी क्योंकि सारे के सारे जो है बहुत ही सरल है, इजी है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा टेंस चेंज कैसे करना, उसका क्या स्ट्रेटेजी, क्या पैटर्न है, क्या अपनाना है, आपको क्या चीजें करनी है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग इन डिटेल, डोंट वरी। लेकिन पहले आपको ये कॉन्सेप्ट सारे अपने क्लियर करने कि ये कैसे वर्क कर रहा है, है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर स्टूडेंट्स काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है, है ना। चलो तो मैं आपको आगे लेकर चल रहा हूं, चलो ध्यान देते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे सामने जो सिचुएशन है, विनय विल से नोबडी वॉज इन द रूम, ये भी बन जाएगा आपसे। यहां से देखो टेंस चेंज वाले स्टार्ट होते रहे आपके। वीना सेड अनुपम वर्क्ड वेरी हार्ड, ठीक है। अब ये देखो यहां पर लिखा है वीना सेड अनुपम वर्क्ड वेरी हार्ड, तो प्रोनाउन चेंज की तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही इसमें क्योंकि नाम दे रहा है आपको, दैट्स व्हाई। तो आंसर क्या लिखोगे, वीना सेड दैट, यहां तक लिख लेंगे हम वीना सेड दैट। आगे लिखेंगे हम अनुपम, अब वर्क दिया है तो वर्क की सेकंड फॉर्म क्या होगी, वर्कड, ईडी लग जाएगा उसमें, ठीक है ना। वीना सेड दैट अनुपम वर्कड वेरी हार्ड, एच ए आर डी हार्ड, कुछ इस तरीके से आपका यूज होगा। वीना सेड दैट अनुपम वर्कड वेरी हार्ड, इस तरीके से इसको हम लोग यूज करते हैं, इस तरीके से हम इसको समझते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अजीत सेड रेखा स्विम्स डेली, तो इसका आंसर लिखोगे आप अजीत सेड दैट, टोल्ड नहीं करना है क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, तो सिंपल बस दैट लगा के चेंज करो, रेखा का रेखा हो जाएगा, टेंस चेंज जरूर होगा। स्विम्स कौन सा टेंस है, स्विम्स आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो स्विम की सेकंड फॉर्म क्या होगी, स्वैम, स्वैम। डेली का आप डेली भी लिख सकते हो या फिर डेली का रेगुलरली भी आप लिख सकते हो, रेगुलरली डेली दोनों होता है, हम लोगों ने रेगुलरली लिख दिया है, ठीक है। जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो आप बिल्कुल बेझिझक यूज करें, देयर इज नो प्रॉब्लम। आगे देखते हैं, शी सेड अमन इज वर्किंग हार्ड, चलो इसका चेंज करके बताओ, बहुत सरल है राइट, कम ऑन, ये वाला चेंज करके बताओ, नाइन वाला, नाइन नंबर का, शी सेड अमन इज वर्किंग हार्ड, कम ऑन, शी सेड दैट, बताओ क्या बनेगा, शी सेड दैट अमन इज वर्किंग हार्ड, क्या बोलेंगे हम, शी सेड दैट अमन वॉज वर्किंग हार्ड, मतलब आपका इसका क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, वर्किंग हार्ड। और आप चाहो ना तो आपको एक निंजा टेक्निक सिखाता हूं मैं टेंस चेंज करने की, आपको
YouTube के इतिहास में कोई भी टीचर ये निंजा टेक्निक नहीं बता पाएगा जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। पहली वो टेक्निक है जिसमें आपको क्या करना है, चार पूरे टेंस के नाम लिख लेना है। पहला टेंस सिंपल प्रेजेंट, ध्यान दीजिएगा। दूसरा टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तीसरा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट। और चौथा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चार पूरे प्रेजेंट के आप लिख लीजिएगा और इनको चेंज कर दो। सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट या पास्ट सिंपल जो भी कहना चाहें, पास्ट सिंपल का पास्ट परफेक्ट, याद रखिएगा पास्ट सिंपल का पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट को यहां ले लो, पास्ट परफेक्ट का नो चेंज। नो चेंज समझ रहे हो ना, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में ही लिख देना, उसको चेंज नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पॉइंट टू बी नोटेड एवरीवन। अगर आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ रहा है तो उसका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यहां पर थोड़ा चेंजेस हो रहा है। अगर आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ रहा है तो उसका भी हो जाएगा नो चेंज, ठीक है। ये आपकी सेकंड सिचुएशन, ये आपकी फर्स्ट सिचुएशन, फर्स्ट सेकंड। अब तीसरी सिचुएशन क्या है वो देखो, प्रेजेंट परफेक्ट आ रहा है तो उसका कर देना पास्ट परफेक्ट, और अगर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाए तो याद रखना पास्ट परफेक्ट का होता है नो चेंज। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हो जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वैसे तो मैं ऐसे मेरे स्टूडेंट्स को नहीं सिखाता हूं, लेकिन आपको मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि ये चीजें आप लाइफ लॉन्ग याद रखें, क्योंकि होता क्या कभी कभी कुछ चीजें हम लोग है ना भूल जाते हैं, मिस कर जाते हैं, है ना। तो मैं ये चाहता हूं कि आप इन चीजों को लाइफ लॉन्ग याद रखें। लाइफ लॉन्ग याद रखने से मेरा मतलब है, समझते हैं आप, कि आप इनकी अहमियत को समझे, इनकी इंपॉर्टेंस को समझे कि किस तरीके से आपकी वर्क कर रही है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि आप इन चीजों को लाइफ लॉन्ग अगर याद रखना चाहते हैं तो आप इन चीजों को फोकस करके सीखें। इसके बाद नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अगर आ जाता है तो इसका नो चेंज हो जाता है। ये बात का आपको विशेष ध्यान देना है, राइट। चलिए तो ये सारी की सारी सिचुएशन देखो, एक बार मैं बोल के बताता हूं, सुनना। प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल का पास्ट परफेक्ट का नो चेंज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नो चेंज, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट का नो चेंज, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नो चेंज। देयर इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट दैट यू हैव टू फॉलो, जो आपको फॉलो करना है, जिसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, और मुझे ऐसा लगता है कि यू ऑल गाइज कैन मैनेज इट, दिस इज नॉट अ बिग डील, आप बहुत आसानी से कर लोगे, है ना। तो बस इस तरीके से इसको समझ के आपको सारी चीजों को डील करना है, और बहुत ही आसानी से आप इन चीजों को कर सकते हो, समझ सकते हो। चलो मैं आगे लेकर आपको चल रहा हूं, वी डोंट हैव मच टाइम एक्चुअली, सो हियर दिस इज द एक्चुअली कंटेंट। और ये सारा का सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है पर्सोना इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश, उसमें आपको सारा का सारा कंटेंट मिल जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग, जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग प्लीज 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 टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाए। आई इंसिस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज आप टेलीग्राम ग्रुप से, जो लोग नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए, ताकि आपको सारी की सारी चीजें जो है समझ में आए। आज एक्चुअली मैं कैमरा थोड़ा पास में लगा हुआ है, शायद उसके कारण हम थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, देखो तो एक बार उसमें कुछ हो रहा है क्या, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है, वो थोड़ा चलने के बाद है ना, लाइक उसकी फ्रेम रेट में थोड़ा इश्यूज आ रहा है। ओके चलिए एवरीवन, सो मैं आपको अगेन लेकर चल रहा हूं, चलना है और किस तरीके से वर्क करना है। तो ये रहे आपके क्वेश्चंस नाउ। तो ये थे, दे सेड द गर्ल्स आर प्लेइंग क्रिकेट, तो इनमें कोई इश्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। दे सेड दैट द गर्ल्स वर प्लेइंग क्रिकेट, राम सेड सीता हैज डन हर वर्क, तो राम सेड दैट सीता हैड डन हर वर्क, ठीक है। ही सेड विनोद हैज रिटन द लेटर, तो ही सेड दैट विनोद हैड रिटन द लेटर, शी सेड द बॉय मे पास, शी सेड दैट द बॉय माइट पास, मे पास का माइट पास हो जाएगा। आई सेड आई कैन डू द सम, आई सेड दैट आई कुड डू द सम, है ना। अजय सेड रमन रिटर्न एट नाइट, अब देखो ये वाला समझना थोड़ा सा, अजय सेड वाला,
इसका आंसर जब आप लिखोगे तो आपको ध्यान इस बात का देना होगा, अजय सेड दैट तो लिख दिया आपने, रमन का रमन ही लिख देना। अब यहां रिटर्न लिखा है, वी टू वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का क्या बताया था? पास्ट परफेक्ट। मतलब आपको लिखना होगा रमन हैड रिटर्न्ड एट नाइट। ये स्टेटमेंट आपको देना होगा भाई। जब आप ये स्टेटमेंट दोगे, जब आप ये बात बताओगे, देन आपका जो है वो आंसर सही होगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूं इस तरीके से आप इसको आंसर करें। दूसरा है मीना सैड मिस्टर ठाकुर कैम एट नाइट। अब मीना सैड मिस्टर ठाकुर कैम एट नाइट, तो मीना सैड दैट मिस्टर ठाकुर हैड कम एट नाइट। इसका भी वही बनेगा, सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग इसको चेंज करेंगे। तो भाई मैं चाहूंगा कि आप लोग इस चीज को थोड़ा समझ के चलें। अब जैसे नीलू सेड ऑल वर लाफिंग एट द बेगर 17 वाला, देखो ये भी आप लोगों को दिक्कत दे सकता था। मैं बता देता हूं आपको इसको कैसे करना है। नीलू सेड दैट, ठीक है, ऑल वर कौन सा टेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूस। आपको क्या बताया था? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर यकीन नहीं हो तो एक बार फिर से देख लो, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का क्या बताया था? ये रहा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का बताया था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का नो चेंज। तो आपको इसको चेंज जो करना होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। देखिए आप कैसे चेंज करेंगे वो भी समझ लीजिए। जैसे मैंने कहा नीलू सैड, तो आप लिखोगे नीलू सैड That, यहां तक तो सबको समझ में आया। ऑल का ऑल लिखना है, वर का होगा हैड बीन, कुछ इस तरीके से। ठीक है, नीलू सेड दैट ऑल हैड बीन लाफिंग, एल ए यू जी एच आई एन जी, लाफिंग एट द बैगर, बी ए डबल जी ए आर। ठीक है, तो नीलू सेड दैट ऑल हैड बीन लाफिंग एट द बैगर। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट एवरीवन, जो आप सबको अटेंशन देना है, आप सबको समझना है। ठीक है, चलो द नेक्स्ट वी हैव, जो अगला हमारे पास है, मुझे लगता है भाई इसमें आपको अब कोई दिक्कत आने वाली है। अब ये देखो, ये थोड़ा समझने स्टार्ट कर दो। मिस्टर भूतन सेड टू मुकेश, भूतन ने मुकेश से कहा, क्या कहा? यू आर अ गुड बॉय। बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए? ए बी सी, तीन ऑप्शन दे रहा हूं मैं। पहला ऑप्शन में लिख रहा हूं भूतन सेड टू मुकेश That he was a good boy. दूसरा मैंने लिखा भूतन told मुकेश that you were a good boy. और तीसरा भूतन told मुकेश That he was a good boy. चलो भाई इन तीन में से कौन सा ऑप्शन सही है? I have given you three options and among these three options there is only one is right and let's see कि कौन सा वाला सही है। आप लोग बताते हैं। Some are here saying कुछ लोग A को सही बता रहे हैं, कुछ लोग B को बता रहे हैं, कुछ लोग C को सही बता रहे हैं। ठीक है, So the things आर गोइंग टू बी लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटिव, कि भाई कौन सा वाला सही है इन तीनों में से। जल्दी कमेंट करके जल्दी फटाफट फास्ट बताओ कौन सा वाला सही है, ए सही है, बी सही है या फिर सी सही है। भूतन सेड टू मुकेश यू आर अ गुड बॉय, इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया हमने, तो हमारे ऑप्शन है भूतन सेड टू मुकेश दैट ही वॉज अ गुड बॉय, भूतन टोल्ड मुकेश दैट यू आर अ गुड बॉय, एंड द लास्ट वन भूतन टोल्ड मुकेश दैट ही वॉज अ गुड बॉय। तो हम सबसे पहले सारे रूल देखते हैं। यहां लिखा है सेड टू, सेड टू का क्या होता है? अरे भैया सेट टू का क्या होता है? सेट टू का होता है टोल्ड, इसलिए आपको क्या लिखना होगा? भूतन टोल्ड। अब मुकेश की जगह मुकेश आ जाएगा एज इट इज। कनेक्टिव में क्या लगाओगे? दैट। कनेक्टिव में क्या लगाओगे? दैट। सो भूतन टोल्ड मुकेश दैट, भूतन टोल्ड मुकेश दैट, भूतन टोल्ड मुकेश दैट। यहां तक आई होप सबको समझ में आया होगा। आगे लिखा है यू आर अ गुड बॉय, यू किसको बोला जा रहा है बताओ? यू किसको बोला जा रहा है? मुकेश को। ठीक है, तो यू का क्या हो जाएगा? ही, और ही के ब्रैकेट में चाहो तो लिख देना ऐसा करके मुकेश। अब यहां लिखा है आर, यहां लिखा है सेड, तो आर का क्या हो जाएगा? पास्ट में, तो पास्ट में आर का वर होना चाहिए, लेकिन ही के साथ वर नहीं, वॉज लगता है, तो वॉज होगा। सो भूतन टोल्ड मुकेश दैट ही वॉज
अ गुड बॉय. अब ये वाला ऑप्शन ढूंढो, ए बी सी में से कौन सा वाला ये वाला है, ए है बी है कि सी है. तो हम देखते हैं कि हमारा जो सही आंसर है वो आपका सी जा रहा है. सी में यही का यही लिखा है, बाकी ये दो आपके गलत हो रहे हैं. तो भाई ऐसे समझना पड़ता है, ऐसा दिमाग लगाना पड़ता है, ऐसे चीजों को देखना पड़ता है कि भाई कौन सी सिचुएशन ज्यादा सही एप्रोप्रिएट जा रही है. और जब इन सिचुएशंस को आप समझ जाते हो, जब इन सिचुएशंस को आप समझकर स्टडी करते हो, देन यू हैव अ राइट आंसर. तो आपके पास एक सही आंसर होता है, आपको एग्जैक्टली पता होता है कि कौन सा वाला आंसर सही है, एंड यू नेवर मेक मिस्टेक. और यही तो लर्निंग का मजा है कि जब हमको कोई चीज पता होती है तो आंसर करने में बड़ा मजा आता है. तो नरेशन कोई टफ टॉपिक नहीं है दोस्त, नरेशन को टफ बनाया गया है, नरेशन को टफ बनाया गया है, नरेशन टफ नहीं है, नरेशन इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. चलो तो भाई ये सारी की सारी सिचुएशन है. भावना सेड टुडे इज फाइन डे, बताओ इसका क्या होना चाहिए. भावना सेड टुडे इज फाइन डे, भावना ने कहा आज अच्छा दिन है. भावना सेड टुडे इज फाइन डे, ए भावना सेड दैट टुडे वॉज अ फाइन डे, या फिर बी भावना सेड दैट डे वॉज अ फाइन डे. चलो भाई ए और बी में से कौन सा सही है, 43 का आंसर बताओ. ए और बी में से कौन सा वाला सही है. यस, विच वन इज राइट, कौन सा वाला सही है. यू हैव टू फाइंड आउट द राइट वन, जो एक सही है वो आपको आंसर करना है कि कौन सा वाला आपका सही जा रहा है. वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर कमेंटिंग एब्सोल्यूटली राइट. यू नो भावना सेड दैट डे वॉज अ फाइन डे, दैट डे वॉज अ फाइन डे. ये रोमांस की बाहर कहां से आ रही है. ठीक है, क्या नाम है, ये ओपन प्रपोज कर रहे हैं यहां पर क्लास के अंदर. अरे तुम गलत जगह आ गए हो यार, ये यहां पर ये हरकत नहीं करना है आपको. ठीक है ना, म्यूजिक बाबा, म्यूजिक बाबा आपसे रिक्वेस्ट है, यू आर ऑन द रॉन्ग प्लेस. ठीक है ना, आप जो कमेंट लिख रहे हो किसी पर्टिकुलर कन्याकुमारी के लिए, तो आपको बताना चाहूंगा यू आर ऑन द राइट रॉन्ग प्लेस डियर. ठीक है ना, यहां आपकी दाल नहीं गलेगी, आप चाहें तो जा सकते हैं, आपका हम स्वागत करते हैं और फिर आपको यहां से बरी करते हैं. आप जाइए यहां से, टाइम पास मत करिए, लेकिन कमेंट अच्छे लिखिए कम से कम. नहीं पढ़ सकते तो दूसरों को पढ़ने दे. इनको भगाओ बाबा को, म्यूजिक बाबा को, इनको ब्लॉक कर दो. चलिए एवरीवन, कैसे कैसे बच्चे आते हैं यार, मतलब ठीक है ना. चलो हमारे हाथ में आ गई आप लोगों की लिस्ट, द स्टूडेंट्स हु हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द ओके. सो तरह तरह के प्राणी इस अर्थ पर पाए जाते हैं. जब गॉड ने अर्थ को बनाया था तो उसने तरह तरह के क्रिएचर्स बनाए. ठीक है, उसने तरह तरह के प्राणी बनाए और सबसे विचित्र प्राणी जिसको बनाया वो है इंसान. ठीक है, सबसे बड़ा विचित्र, और इसमें भी तरह तरह की वैरायटीज बनाई, बड़ी वैरायटीज इसमें क्रिएट करी. राइट, कुछ अजीब बनाए, कुछ विचित्र बनाए, कुछ महाविचित्र बनाए, है ना. और उन्हीं विचित्र प्राणियों में से सभी प्राणियों को इधर उधर छोड़ दिया, किसी को थोड़ा सा इधर छोड़ा, किसी को थोड़ा सा उधर छोड़ा, है ना, कभी किसी को थोड़ा सा इधर छोड़ा, तो कुछ प्राणी इधर भी आ गए, है ना. चलो तो भाई यहां पर कुछ स्टूडेंट्स के नाम हमारे लिस्ट हाथ में आई है, तो मैं चाहता हूं कि ना हम लोग चलिए तो यहां पर पहले इसको देख लेते हैं. मैं चाहता हूं 2 मिनट और ये मैं सॉल्व करवा देता हूं, फिर हम लोग वही काम करते हैं ना. और आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी आज मैं लेकर आया हूं, और जो मैं काफी समय से स्टूडेंट्स जिस चीज का वेट कर रहे थे, है ना, वही मैं आप लोगों के सबके लिए स्पेशली आज अनाउंस करूंगा मैं. सो जस्ट आफ्टर 5 मिनट्स, 5 मिनट के बाद इसको हम लोग पहले कवर कर ले पूरा. तो इसमें देखो कुछ क्वेश्चंस ये वाले भी आपको दिए हैं, जिसमें मैथमेटिकल इक्वेशंस हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, इनको चेंज नहीं करते भाई हम, ये थोड़ा आप ध्यान देना. जिस देखो एक प्रोवर्ब है, अ बेड कारपेंटर क्वारल्स विद हिज ओन टूल, इसको हिंदी में कहते हैं नाचने जाने आंगन टेढ़ा, है ना, नाचने जाने आंगन टेढ़ा. ठीक है, सो द टीचर रिमार्क्ड अ बेड कारपेंटर क्वारल्स विद हिज ओन टूल्स.
है ना, एक जो बुरा कारपेंटर होता है अपने ही टूल से झगड़ा करता है, इसको हिंदी में कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो जितनी भी, मैं चाहूंगा ये नोट करके आप लोग लिखे सब, कोई प्रोवर्ब्स हो इसके साथ टेंस चेंज नहीं होता है, कोई मैथमेटिकल इक्वेशंस हो इसके साथ टेंस चेंज नहीं होता है, और कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो इसके साथ भी टेंस चेंज नहीं होता है। इन तीनों सिचुएशन में आपको नहीं करना है, पहला कोई प्रोवर्ब हो, दूसरा कोई मैथमेटिकल इक्वेशंस हो। मैथमेटिकल इक्वेशन समझते हो आप, मैथमेटिकल इक्वेशंस का मतलब होता है कि जिसे आपको कहा है द टीचर सेड 2 and 2 makes 4, दो और दो चार होते हैं। सो यू हैव टू से द टीचर सेड दैट 2 and 2 makes 4। इफ यू से द टीचर सेड दैट 2 and 2 made 4, then it is going to be wrong because दो और दो चार होते हैं, दो और दो चार होते थे, ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि दो और दो चार कल भी होते थे, दो और दो चार आज भी होते हैं, ये बात बदलेगी नहीं। तो यूनिवर्सल ट्रुथ हो, जैसे मैंने कहा द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है, तो राइज की सेकंड फॉर्म रोज अप्लाई करके अपना टैलेंट मत दिखाना वहां पर। जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, प्रोवर्ब्स है, मैथमेटिकल इक्वेशंस है, इनके टेंस चेंज नहीं करने होते दोस्त, याद रखना। दे सेड वी कैन नॉट एस्केप द डेथ, तो सिंपल लिखना दे सेड दैट वी कैन नॉट एस्केप द डेथ। द सेंट सेड डायमंड कट्स डायमंड, डायमंड डायमंड को काटता, लोहा लोहे को काटता है, तो कुछ नहीं करना, सिंपल लिखना द सेंट, सेंट समझते हो किसको कहते हैं, महात्मा को। द सेंट सेड दैट डायमंड, डी ए एम ओ यू एन डी, डायमंड कट्स डायमंड, इस तरीके से आपका बनेगा। ही सेड एवरी पॉटर प्रेज हिज पॉट, आप इसको लिखोगे ही सेड दैट एवरी पॉटर प्रेज हिज पॉट। दे सेड कंटेनमेंट इज हैप्पीनेस, तो दे सेड दैट कंटेनमेंट इज हैप्पीनेस, इस तरीके से आपको इसको यूज करना है, इस तरीके से आपको इसको बनाना है। सो आई होप कि आपको किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टीज नहीं आने वाली है अगर आप इसको समझ के स्टडी करते हैं तो। शी सेड अ बर्न्ड चाइल्ड रीड्स द फायर, तो इसका आप लिखोगे शी ही सेड दैट अ बर्न्ड चाइल्ड रीड्स द फायर। कोई टेंसेस चेंज नहीं करना है, कोई बड़ी डिफिकल्टीज नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है अगर आप इसको समझ के स्टडी करोगे तो। चलो अब मैं आपको आगे ले चलता हूं, इसमें और भी काफी सारे सेंटेंसेस दिए हैं। ही सेड आई डिड इट यस्टरडे, चलो मुझे जरा बताओ इसका आंसर क्या होगा, 138 वाले का आंसर बताओ क्या होगा। ही सेड आई डिड इट यस्टरडे, ऑप्शन ए में यहां लिख रहा हूं, ऑप्शन बी में यहां लिख रहा हूं, ठीक है। ऑप्शन ए मैंने लिखा ही सेड दैट ही हैड डन इट previous day, और दूसरा he told that he had done it yesterday। चलिए कौन सा वाला सही है, ए सही है कि बी सही है, दोनों में से जल्दी बताओ कौन सा वाला सही है, ए सही है कि बी सही है। You are having two options right now, आपके पास दो options हैं, option A and option B, आपको देखना है कि कौन से वाला option सही है, आपको सही वाले option को recognize करना है, आपको सही वाले option को पहचानना है कि which one is right। He said I did it yesterday, तो he said that he had done it previous day and he told that he had done it yesterday। Wow, that's good. Most of the students are commenting that A is the right, very good. So the right answer goes to A. भाई ए क्यों सही है उसका रीजन समझ लो, यहां सेड अकेले ही दिया है तो सेड का सेड ही होगा, पहली चीज टोल्ड नहीं होगा, दूसरा कनेक्टिव में दैट लगेगा, आई कौन है यहां पर, ही है, तो इसका ही हो जाएगा। नरेशन सबसे सरल और इजी टॉपिक्स में से एक है, लेकिन कब, जब आप उसको समझ के पढ़ोगे तब, राइट। अगर समझ के पढ़ोगे तो ही वो आपको समझ में आने वाला है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, दिक्कत में परेशानी क्रिएट करोगे, फिर परेशानी में फिर दिक्कत क्रिएट करोगे, और फिर दिक्कत परेशानी, परेशानी दिक्कत, दिक्कत परेशानी चलती रहेगी जीवन में। इसलिए कंफ्यूज नहीं होने का दोस्त, समझ के पढ़ने का, क्योंकि समझदार लोगों के लिए है नरेशन। आपने देखा होगा ना जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वैसे है रीजनिंग की तरह है, मैं इसको पता है रीजनिंग जनरल एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस होते हैं ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, उस तरीके से मानता हूं। इसमें क्या होता है पता है, हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड खर्च करना पड़ता है, कुछ ऐसी चीजें सोचनी पड़ती है जो कि क्या हो, बियॉन्ड थिंकिंग हो, बियॉन्ड रूल हो, समझ के पढ़ना पड़ता है नरेशन को। नरेशन ऐसा नहीं कि भाई आर्टिकल की तरह आपने कुछ रूल्स स्पेसिफिक जो है वो लर्न कर लिया और उसको कर, ऐसा नहीं है नरेशन में, आर्टिकल के रूल नहीं चलते। We have to change the things according to it. हमें चीजों को इसके अकॉर्डिंग क्या करना होता है, बदलना होता है, बदलाव लाना होता है, और यही तो नरेशन सीखने का मजा होता है। चलो मैं अभी उन स्टूडेंट्स के नाम रिवील कर रहा हूं जिनको हमारे इंस्टीट्यूट की ओर से
प्राइस दिया जा रहा है, और ये क्वेश्चंस जो है इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको जब भी टाइम मिले आप इनको सॉल्व करें, है ना, और बिल्कुल मजे के साथ में अच्छे से अच्छा अपने आप को इंप्रूव करें। यहां से इनडायरेक्ट स्पीच का इंटरगेटिव सेशन स्टार्ट होता है जो मैं अभी आपको जस्ट नाम रिवील करने के बाद में बताऊंगा, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लो, और ये सारे क्वेश्चंस आप जब सॉल्व करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। चलो अभी जिन स्टूडेंट्स के नाम मैं रिवील कर रहा हूं उन स्टूडेंट्स में सबसे पहले है प्रेम लता, द फर्स्ट स्टूडेंट हु हैज बीन सिलेक्टेड इज प्रेम लता, ठीक है, लता में LATA, इट शुड बी लाइक दैट, ऐसे कुछ है कैपिटल में, प्रेम लता LATA कैपिटल में है वो। सेकंड जो है वो है क्रेजी ऑफ इंग्लिश, क्रेजी ऑफ इंग्लिश, अच्छा इंग्लिश का पागल, और फिर है इसमें शिवम, ठीक है भाई, क्रेजी ऑफ इंग्लिश शिवम। थर्ड नंबर पर है निधि शर्मा, फोर्थ नंबर पर जो है वो है ताहिर अली कोहली, ताहिर अली कोहली, कोहली के ब्रदर तो नहीं हो भाई तुम, और नेक्स्ट है आपका शमा खान, शमा खान। भाई ये चार पांच स्टूडेंट्स को हम लोगों ने सिलेक्ट किया है, अगर अभी आप हैं यहां पर क्लास में तो कमेंट करके लिख दो फटाफट, आपको हम ट्रेस कर लें। चलो ठीक है, प्रेमलता जी ने तो लिख दिया कमेंट, टीम ने उनको एक्सेस भी कर लिया टाइम, हाँ, और जिनका नाम नहीं आया डोंट वरी, कल अगेन आ रहा हूं मैं फिर 7:30 को लाइव, है ना, और जिनको भी नहीं मिला है पीडीएफ कोई गल नहीं, टेंशन मत लो, हम ये पीडीएफ देते हैं आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पर, वीकली परफॉर्मेंस के बेसिस पर, कि आप सप्ताह में पूरे 7 दिन 6 दिन आप हमारे यूट्यूब चैनल पर कितने ज्यादा एंगेज हो इन द सेंस कि आप कितने वीडियोस देख रहे हो, किस तरीके के कमेंट कर रहे हो, कैसे क्वेश्चंस कर रहे हो, जिनाइन क्वेश्चंस कर रहे हो या फिर अननेसेसरी बकवास वाले क्वेश्चंस कर रहे हो, है ना, वो सारी की सारी चीजें हम लोग उसमें देखते हैं, वो नोटिस करते हैं और उसके आधार पर उन स्टूडेंट्स को हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तो पांच स्टूडेंट्स को हमारी टीम ने इस वीक सिलेक्ट किया है, और कल और हम लोग पांच स्टूडेंट्स के नाम रिवील करेंगे, डोंट वरी, अभी मतलब 10 लोग हम लोग एक सप्ताह में 10 लोग निकालते हैं, और कभी कभी 1-2 लोग ऐसे भी हम लोग इमीडिएटली भी ट्रेस कर लेते हैं जो अभी आपका लाइव क्लास चलती है इसके बेसिस पर भी, ठीक है ना। तो ये पांच स्टूडेंट्स जो भी अगर आप अभी क्लास में हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, प्रेमलता जी, क्रेजी ऑफ इंग्लिश शिवम, निधि शर्मा, ताहिर अली कोहली एंड शमा खान। और जो अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूं वो ये कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में एक नया कोर्स लॉन्च होने वाला है जो बेस्ड है ग्रामर पर। जी हां स्टूडेंट, ग्रामर पर बेस्ड एक बहुत ही शानदार कोर्स हम लोग बहुत ही कम फीस में, ताकि हर बच्चा हर स्टूडेंट उस कोर्स का फायदा ले पाए, हर स्टूडेंट उस कोर्स को कर पाए, ये हमारा पर्पस है। मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है परसोना इंग्लिश पर लॉन्च करने वाला है बहुत जल्दी। तो आप में से जिस भी स्टूडेंट ने परसोना इंग्लिश का मोबाइल एप्लीकेशन अपने डिवाइस में इंस्टॉल नहीं किया है, अभी के अभी गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करो परसोना इंग्लिश, उस एप्लीकेशन को अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर लो और उसी पर यह कोर्स आपका लॉन्च होगा। अगर आपको जीरो से इंग्लिश सीखना है तो हमारा 45 डेज का एक कोर्स है बेसिक इंग्लिश का, वो परचेस कर ले आप। अगर आपको इंग्लिश में थोड़ा बहुत ठीक ठाक नॉलेज है तो अभी एक लाइव क्लास चल रही है 50 डेज एडवांस स्पोकन इंग्लिश कोर्स की, वो कर लें। अगर आपको अपनी वोकैबुलरी बढ़ाना तो वोकैबुलरी की एक लाइव क्लास चल रही है 50 डेज वोकैबुलरी बूस्टर कोर्स, वो आप परचेस कर लें। मॉर्निंग में 9:00 से 10:00 एक घंटे का बैच रहता है। मतलब आप में से जिन भी स्टूडेंट्स को लाइव पढ़ना है हमसे और ऐसा लगता है कि नहीं यार परसोना इंस्टीट्यूट एक क्वालिटी एजुकेशन इंग्लिश में दे रहा है, परसोना इंस्टीट्यूट कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को कुछ नया सिखा रहा है ऐसा जो ऑथेंटिक है, ऐसा जो उनके लिए काम का है, ऐसा जो उनके करियर में फ्रूटफुल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सारे कोर्सेस में ऑडियो ऑप्शन है। ऑडियो ऑप्शन समझते हैं क्या होता है, आपको बोलने का मौका मिलता है लाइव क्लास में, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ पढ़ा दिया और आप सिर्फ कमेंट कर पा रहे हैं जैसे यूट्यूब पर करते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें क्या होता है, आप लोगों को ऑडियो ऑप्शन मिलता है वेर यू कैन पुट योर व्यूज, वेर यू कैन स्पीक, जहां आप बोल सकते हैं। क्योंकि मैंने अपनी लाइव क्लास एक ही शर्त पर स्टार्ट करी थी, जब मुझे ऑडियो ऑप्शन एप्लीकेशन डेवलपर जो है उन्होंने ऑडियो ऑप्शन अवेलेबल करवाया तब, क्योंकि मैं मुझे मेरे स्टूडेंट्स को सुनना पसंद है भाई, सबसे बड़ी चीज कि अगर मैं किसी को पढ़ा रहा हूं तो उन्हें मुझे सुनना ही है कि उन्होंने कितना सीखा है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो 5 लोग हैं जिनको भी ये पीडीएफ मिला है, आप अपना ईमेल आईडी जिसमें यह नाम लिखा होना चाहिए, ठीक है, YouTube पर जिस नाम से अपना अपना चैनल बनाया आईडी बनाई है उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप जो है हमारे इस नंबर पर सेंड कर दे 8711
9997802। और आप बोल देंगे सर आज मुझे पीडीएफ के लिए सिलेक्ट किया गया है, आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द पीडीएफ एंड दिस इज माई ईमेल एड्रेस एंड ऑल, दिस इज माई, यू हैव टू सेंड दिस डिटेल ऑन व्हाट्सएप। तो आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही मिल जाएगा, ईमेल एड्रेस इंडिविजुअली भेजने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जो जो आईडी आपने यूट्यूब की बनाई है वो आपको जरूर सेंड करनी होगी। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, तो हम लोग नया कोर्स जो है दिसंबर के फर्स्ट वीक में ग्रामर पर बेस्ड लॉन्च करने वाले। लेट मी टेल यू अगेन, ग्रामर पर जिनको भी ग्रामर डीपली पढ़ना है, एग्जाम्स के हिसाब से पढ़ना है, सारी चीजों को बेस्ट तरीके से प्रिपेयर करना है, उनके लिए ग्रामर का कोर्स स्पेशली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये दिसंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली आप सबको पता ही है कि जब भी पर्सनल इंस्टीट्यूट कोई भी कोर्स लॉन्च करता है तो उसमें शुरू में कुछ 150 सीट्स पर अच्छा बढ़िया डिस्काउंट मिलता है, तो कोशिश करें कि उस डिस्काउंट का फायदा उठाएं। चलिए अभी हम लोग चलते हैं हमारे टॉपिक पर, जहां पर हमने टॉपिक को छोड़कर आए थे। तो मैं चाहूंगा पूरा अटेंशन आप लोग यहां पर दें। अब ये जो है ये इंटरोगेटिव यहां से स्टार्ट हो जाता है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं ना, तो यहां पर इस बात का ध्यान देना होगा कि आपको कनेक्टिव लगाना होगा। चलो एक काम करते हैं, ये मैं कल की क्लास में लूंगा, आप लोगों को कल की क्लास में पढ़ाऊंगा। इतना मैं बता देता हूं आपको कि आपको कनेक्टिव के रूप में इफ और वेदर लगाना है और सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाना है, राइट। तो कल की जो क्लास हमारी होगी 7:30 को, डोंट मिस दैट, वो मिस मत करिएगा, क्योंकि उसमें मैं नरेशन का नेक्स्ट लेवल, नरेशन का अगला लेवल जो क्लियर करवाऊंगा, मतलब कल की क्लास में नरेशन आपका दी एंड हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग मिलते हैं कल अगेन 7:30 को। टाटा बाय, गुड नाइट टू ऑल।